बात करेंगे चंबा की, तो जिले में भी महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले के शिवालयों में भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा और लोगों ने शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाकर इस महापर्व को मनाया। डीडी न्यूज से बातचीत में लोगों ने बताया कि शिवरात्रि पर्व के मौके पर उन्होंने पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि का पर्व है, इस दौरान सुबह से ही चंबा जिला के शिवालयों में लोगों की खूब भीड़ जमा है और लोग भगवान शिव के दर्शनों को उमड़ पड़े हैं। चंबा के विश्व प्रसिद्ध 84 मंदिर की बात हो, चंद्रशेखर महादेव मंदिर की बात हो, या लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थित भगवान शिव के मंदिर की बात हो, यहाँ खूब कतारें श्रद्धालुओं की देखी जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ श्रद्धालु, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि उनमें किस तरह का उत्साह है। आज शिवरात्रि का महापर्व है, जिसके लिए हम सुबह से ही मंदिर की कतारों में खड़े हैं कि हम भी शिवालय के दर्शन करें और अपना जल अभिषेक करके माँ शिव को पूजा अर्चन करके माँ शिव से अपना आशीर्वाद लें। सुबह व्रत रखते हैं, सच्चे भूत सभी मतलब आते हैं, जहाँ पर फूल के मतलब फल वगैरह चढ़ाते हैं, कच्ची लस्सी पंचनार नीचे चढ़ा कर फिर मतलब वो कहते हैं जल चढ़ाते हैं। भोले बाबा जो बहुत ही भोले हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो बड़े ही दिल से शिवरात्रि का ये व्रत करते हैं, और उसे देखकर हमारे जो हैं ये दिन प्रतिदिन बच्चों में भी उत्साह बढ़ता आ रहा है। गौरी शंकर शिव जी भगवान के पुजारी के रूप काम करता हूँ। आज काफ़ी उत्साह देखा गया है, सुबह 5 बजे मैं यहाँ आ गया था, तो अभी तक मतलब मैं बाहर नहीं निकल सका हूँ, इतना लंबा मतलब जलसा है, लोग इतनी श्रद्धा है कि पीछे तक भी काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं, तो बहुत खुशी के दिन है और शिवजी भगवान की सब पर कृपा बनी रहे, मैं यही बताता हूँ। देखा कि शिवरात्रि को देख के लोगों में किस तरह का उत्साह है और लोग सुबह से ही कतारों में खड़े हैं, सारा दिन भगवान भोले शंकर का नाम लेंगे, और भगवान शंकर के लोगों ने व्रत भी रखा है और मंदिरों में जाकर बिल्व पत्र चढ़ाकर पूजा पाठ में लगे हैं। डीडी न्यूज़ के लिए चंबा से विकास ठाकुर।